वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के यानी माध्यमिक एग्जाम के 2020 में जो हिस्ट्री पेपर था वो क्या था उसके बारे में आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम लोग जो है 2020 के हिस्ट्री पेपर को देखते हैं जो फाइनल एग्जाम में क्लास टेंथ का आया था। तो देखिए इसका जो इंग्लिश वर्सन है वो इंग्लिश वर्सन में यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रुप ए वाला जो क्वेश्चन है वो वाला मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर, यानी हम लोग को चूज करना है सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एक नंबर दिया है 1.1, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन 8 जनवरी, 24 फरवरी, 8 मार्च, 5 जून। तो इसका क्या आंसर होगा मुझे आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। 1.2 देखिए, इंडियंस लर्न अबाउट द यूज ऑफ पोटैटो फ्रॉम, यानी हिंदुस्तानी जो लोग थे वो पोटैटो खाने का जो रवाज था ये कहाँ से सीखा था। ठीक है, नंबर 3.3, द फर्स्ट ऑफिशियल कमीशन यानी हंटर कमीशन वॉज फॉर्मड इन, देवेंद्रनाथ टैगोर ज्वाइन द ब्राह्मो समाज इन, देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो ब्राह्मो समाज में किस साल आए थे। इसके बाद देखिए 5 नंबर, द रिनेशन इन बंगाल वाज, जो बंगाल में रिनेशन आए थे वो क्या था। नंबर 6, द बेनिफिशरीज ऑफ द सेकेंड फॉरेस्ट लॉ वेर, क्या होगा यहाँ पे सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा। 1.7, द वर्ड होल डिनोटेड, जो वर्ड होल है वो किसको किससे जाहिर किया जाता है। नंबर 8, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 वाज क्या था। 1.9, द प्रेसिडेंट ऑफ लैंड होल्डर्स सोसाइटी वाज, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था। 1.10, द सेक्रेटरी ऑफ द हिंदू मेला वाज, हिंदू मेला का जो सेक्रेटरी था वो कौन था। 1.11, द ईयर इन विच द फर्स्ट बंगाली बुक वाज प्रिंटेड वाज, मतलब किस साल सबसे पहले जो है बंगाली बुक जो है वो छपाई गई थी। नंबर 12, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन वाज, मतलब बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो कौन था। 1.13, द पर्सन नॉन एज देशपरन वाज, देशपरन किसको कहा जाता था। 1.14, द मोपला रिवोल्ट 1921 टुक प्लेस इन, कहाँ पे जो है ये हुआ था मोपला रिवोल्ट। 1.15, द मेरिट कॉन्स्पिरेसी केस वाज इंस्टीट्यूट अगेंस्ट, यानी मेरिट साजिश केस जो हुआ था जो 1929 में हुआ था ये किसके खिलाफ हुआ था। 1.16, नारी सत्याग्रह समिति वाज फाउंडेड ड्यूरिंग। 1.17, द पर्सन नॉन एज मास्टरडा वाज, मास्टरडा किस आदमी को कहा जाता है। 1.18, द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन मद्रास वाज स्टार्टेड बाय, हाँ मद्रास में जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके जरिए शुरू किया गया था। 1.19, द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, यानी आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में सबसे जो राजौरा रियासत था वो क्या था सबसे बड़ा। द रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ केरला वाज सिचुएटेड इन, तो यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन हो गया इधर। अब हम लोग देखेंगे ग्रुप बी में, तो यहाँ पे आप लोग ग्रुप बी में दे सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब ग्रुप इन ऑल आंसर ऑफ 16 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन दिया हुआ है जो 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में हम लोग को आंसर देना है। 2.1 का 1, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल के जो ऑटोबायोग्राफी था यानी खुद नो सवाने हयात था उसका नाम क्या है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यानी कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कौन जो सबसे पहले वाइस चांसलर था। इन विच ईयर वाज द इंडिगो कमीशन फॉर्म्ड, नील कमीशन कब जो है फॉर्म्ड हुआ। हु रोट बन्ना परिचय, बन्ना परिचय किसने लिखा था। देखिए इसका जो मार्क्स है वो 1 ही रहेगा यहाँ पे, मतलब आंसर में हम लोग को एक वर्ड में आंसर देना है एक सेंटेंस में। और यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स है। 2.2 का 1, द बुक नादिया कहानी बिलोंग्स टू अर्बन हिस्ट्री, नादिया कहानी ये जो किताब है वो अर्बन हिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, क्या सही है या गलत है। बाबा रामचंद्र वाज ए लीडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज का एक लीडर था बाबा रामचंद्र, ये सही है या गलत। नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक को ये सब्जेक्ट सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। 2.2 का 4, लक्ष्मी भंडार वाज फाउंडेड बाय बसंती देवी, बसंती देवी जो है लक्ष्मी भंडार
बनाई थी। टू पॉइंट थ्री सब ग्रुप मैच कॉलम ए कॉलम बी जो है हमको मैच करना है, एक नंबर एक के लिए होगा। थॉमस बैबिंगटन मैकावले, केशव चंद्र सेन, राजा राधाकांत देव, स्वामी विवेकानंदा, लैंड हंडलर सोसाइटी, वर्तमान भारत, वेस्टर्न एजुकेशन, नवाविधान। अगर आप ये कॉलम ए कॉलम बी मैच कर पाएंगे तो मुझे ज़रूर आप कमेंट में मुझे ये आंसर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपका आंसर देख लूँगा। इसके बाद देखिए 2.4 ऑन द गिवेन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लॉकेट एंड लेवल द फ्लोइंग प्लेसेस। जो मैप दिया गया था उसमें जो है ये सब चीज़ें दिखाना है हम लोग को मैप में। ए नंबर एक नंबर में क्या दिया है, ये सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट इन बंगाल बारासात, मतलब वहाबी मूवमेंट जो था उसका जो सेंटर था वो बंगाल में जो बारासात था उसको दिखाना है। ये सेंटर ऑफ द इंडिगो रिवोल्ट यानी नील बगावत जो है उसका एक सेंटर बताना है, जिसका जो जगह है जयसूर जो नदिया के करीब है। वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट यानी अजीम बगावत जो हुई थी 1857 में उसका एक सेंटर जैसे एक दिखाया गया है मेरठ। द रिओर्गनाइज स्टेट 1960 ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो रियासत है उसको दिखाना था, मतलब किस साल का, 1960 का। हाँ अब देखिए यहाँ पे और में दिया है ओनली फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स, ठीक है, जो मतलब किसी का कोई कमजोरी रहता है या फिर कोई ब्लाइंड स्टूडेंट्स है तो उसके लिए क्वेश्चन है, ये आप लोग देख सकते हैं, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं अभी तक के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2.5 सब ग्रुप में क्या दिया हुआ है, सेलेक्ट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट में दिया है और उसमें जो है एक इंटरप्रिटेशन हम लोग को चूज करना है। तो यहाँ पे आप लोग ये सब देख लीजिएगा, ठीक है, मैं सिर्फ बड़ा क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पे दिखा दूंगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रुप सी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन टू और थ्री सेंटेंस यानी 11 यानी 11 क्वेश्चन है और सबका हम लोगों को जो है 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एज सोर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी हिंदुस्तान की जदीद तारीख लिखने में जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो क्या मदद करते हैं, क्या उसका लिमिटेशन है, ओके, ये हमको 2 नंबर के लिए बताना है। इसके बाद देखिए 2 नंबर 3.2 व्हाट इज मीन्ड बाय ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर, व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया यानी हिंदुस्तान में जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उसका क्या रोल है हिंदुस्तान में मगरबी तालीम को फैलाने में, वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाने में। 3.4 व्हाट इज मीन बाय नवाविधान, नवाविधान से मुराद क्या है उसके मतलब को समझाना है। What was the significance of the Chuar Revolt? Was the Phrygi Rebellion simply a religious movement? क्या जो Phrygi Rebellion था क्या एक मजहबी तहरीक था या नहीं उसको बताना है, ठीक से उसको कन्फर्म करना है। With what objective was the Landholder Society founded? मतलब किस मकसद के तहत Landholder Society जो है वो बनाए गए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए 3.8 में व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नवल आनंदमठ, आनंदमठ का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या किरदार है टू द राइज ऑफ नेशनल अवेकनिंग इन द 19th सेंचुरी 19वीं सदी में जो क्या उसका कंट्रीब्यूशन था जो नावल था आनंदमठ उसका। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस ऑन द कल्चरल लाइफ ऑफ बंगाल, बंगाल में जो है प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से बंगाल के जो कल्चरल लाइफ है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको बताना है। नंबर 10 3.10 का देखिए व्हाई वाज द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिफेक्टिव यानी जो कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो क्यों इतना डिफेक्टिव था उसको बताना है। 3.11 व्हाट वेर द काउज ऑफ मोपला रिवोल्ट, मोपला रिवोल्ट जो हुआ था उसके क्या काउजेस थे। इसके बाद है विथ व्हाट ऑब्जेक्टिव वाज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड यानी किस मकसद के तहत कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाया गया था। 13 Why did the women of Bengal observe Arandhan non-cooking on 16th October 1905? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में जो बंगाल की औरतें थी वो क्यों जो है नॉन कुकिंग डे मनाए थे, ओके। 14 Why is नानी बाला देवी रिमेम्बर्ड, नानी बाला देवी जो है क्यों रिमेम्बर्ड किया जाता है।
वाई सरदार पटेल कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार पटेल को जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं। 16. अंडर वाट सर्कमस्टांसेस वॉज द स्टेट इरीगेशन कमीशन इंस्टीट्यूटेड, मतलब किस चीज के तहत जो है स्टेट इरीगेशन कमीशन 1953 ईस्वी में जो है बनाए गए थे। इसके बाद देखिए ग्रुप डी में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 7 or 8 सेंटेंस ईच एंड अटेम्प्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब ग्रुप, आंसर 6 क्वेश्चन इन ऑल। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर 4.1, व्हाई इज वुड डिस्पैच कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। नंबर 2, एक्सप्लेन श्री राम कृष्ण आइडियाज ऑफ सर्वधर्म समान भव्य। 4.3, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एजुकेटेड बंगाली सोसाइटी टुवर्ड्स द ग्रेट रिवोल्ट। नंबर 4, एनालाइज द रोल ऑफ सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन द फाउंडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद सब ग्रुप D3 में, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टुवर्ड्स बरदोली सत्याग्रह। 6, व्हाट वाज द रोल ऑफ वर्किंग क्लास ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। हाउ वाज द स्टेट ऑफ जूनागढ़ इंटीग्रेटेड इन टू द इंडियन यूनियन, यानी इंडियन यूनियन में जूनागढ़ कैसे शामिल हुआ। व्हाट स्टेप्स डिड द इंडियन गवर्नमेंट टेक टू द सॉल्व द रिफ्यूजी प्रॉब्लम, रिफ्यूजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए थे। अब देखिए ग्रुप ई में, आंसर एनी वन क्वेश्चन इन 15 or 16 सेंटेंस, 15 या 16 सेंटेंस में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पे। गिव एन आइडिया ऑफ वेरियस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, हाउ डिड रामन रॉय अचीव सक्सेस इन द मूवमेंट अगेंस्ट सती। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स आइडियाज ऑन एजुकेशन एंड शांतिनिकेतन। 5.3, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नामसूद्र मूवमेंट इन बंगाल। तो ये था 3 क्वेश्चन यहाँ पे ग्रुप ई में। इन 3 क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ग्रुप एफ है वो सिर्फ एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए है। ओके, तो यहाँ पे एक्सटर्नल कैंडिडेट्स अगर जो भी है तो वो देख सकते हैं। गाइज, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत करता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ के सुनाया। ये सब क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन आप लोग को मतलब परेशान करता है, कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आप लोग अगर कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं अगले वीडियो जो उस टॉपिक पर बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।